बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है बानो फैमिली व्लॉग्स और मैं हूँ मरियम फारूक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सर्दियों का आगाज हो चुका है और सुबह टाइम जो है थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है और फॉग भी होती है, लेकिन जब दोपहर होती है तो गर्मी लगती है, जब रात होती है तो सर्दी लगती है। ये देखें ना, अब गर्मी भी लगती है और सर्दी भी लगती है। तो ये जो मंथ है ये नवंबर का है और अभी नेक्स्ट जो है दिसंबर होगा, फिर ज़्यादा सर्दी होगी। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ जो है वो मेरे लिहाज से तो मूंगफली है और सब लोग सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। रात को सोने से पहले हम तो ज़रूर मूंगफली खाते हैं। और ये देखें, ये है मूंगफली। मुझे तो मूंगफली बहुत पसंद है, लेकिन हमें मूंगफली जो है जब हम उसको खाते हैं उसका छिलका उतार लेते हैं तो जो रेड कलर का छिलका होता है उससे भी हमें उतार के खाना चाहिए। उसके साथ हमें खांसी हो जाती है तो फिर हमारा गला जो है वो सारी सर्दियाँ ख़राब रहता है और खांसी होती रहती है। वैसे तो मूंगफली हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इसका रेड कलर का छिलका जो है उसको उतार के खाएं। अभी चलते हैं हम अपने बकरों के पास, फिर मैं आपको मूंगफली भी दिखाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। माशाल्लाह से ये है हमारे बकरे, वो है शेरू और इसका भी नेम नहीं रखा। तो ये पट्ठे खा रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। अब जो है ये कैमरे की तरफ देख रहे होंगे। ओए बहुत अच्छा बच्चा है ये तो, इसकी पेट ये बहुत अच्छा बच्चा है। ओए ओए ओए, तो ये बड़े वाला बकरा है। बाय, ये देखें ये पट्ठे खा रहे हैं। अब इनके पट्ठे भी फिनिश हो गए, मैं डालती हूँ। मैं अभी आई थी स्कूल से तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब इनको भी मैं पानी भी पिलाऊंगी और इनके पट्ठे भी डालूंगी ताकि ये खा लें आराम सुकून से। इस तरफ जो है दूध गर्म हो रहा है, ये देखें चूल्हा चल रहा है और दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म हो जाए और फिर मैं चाय बनाऊंगी। मम्मा ने चाय पीनी होती है, लेकिन मैंने हरम ने और इब्राहिम ने दूध पीना होता है तो बुलाई नहीं अभी इसके ऊपर आई। ये गोभी है और मैं इस गोभी को काटूंगी और इसके डंडल वगैरह पत्ते वगैरह वो भी काटूंगी और बकरों को डालूंगी। तो काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये हो रही है गोभी की कटिंग और ये जो है ये खल भी को के रखी थी, ये शापर साइड पे करना मरियम ये, लेकिन उन्होंने खाई नहीं इसलिए इसको हमने अभी कूड़े में डालना है। और ये गोभी, मूली, छली और खीरा बड़ा, ये सारा कुछ काट के उनको देंगे सिवाय छली के। ठीक है मरियम, ये काट दो, बारीक काट देना ताकि ना उनके गले में अटके नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मूंगफली खाई जा रही है और आ गई है ये सौगात। ये आपने पहले बता दिया, ये देखिए ये सर्दियों की सौगात शुरू हो चुकी है और इसके साथ ये खाएगा गुड़। कैसी लग रही है मूंगफली, ले जी। इससे तो बोला ही नहीं जा रहा, इसको 3 दिन हो गए, बुखार हो रहा है और ये 3 दिन से स्कूल नहीं गया लेकिन आज गया था। ठीक है, और ये हमारी, मैं बहुत शौक के साथ मूंगफली खाती हूँ। अभी ये शुरू हो चुकी है लेकिन अभी मैं कम मिकदार में लेके आऊंगी। हमारे पापा जो है ना, हमारे पापा हमें कहते हैं जब भी हमें सर्दियों में खांसी होती है ना, हमने करना होता है तो पापा ने कहना होता है कि खाली ना मूंगफली आप लोगों ने। हाँ, माल्टे खाली है, खाली मूंगफली। वो हर चीज को इल्जाम दे देते हैं कि बच्चे बीमार हैं, फलां चीज खाई होगी। हालांकि हम अपने बचपन में हर चीज खाया करते थे और होता था गला खराब, खांसी भी आती थी, बट कभी ऐसा नहीं था कि चीजें खानी छोड़ देते थे। बस 2-3-4 दिन का परहेज मरियम हम किया करते थे, उसके अलावा नहीं। मैं सर्दियों में मूंगफली बहुत कम खाती हूँ, पापा कहते हैं मूंगफली ना खाया करो। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। और इसके बाद ना मरियम ये बस छोड़ दो, अब ऊपर वाला हिस्सा काट लो, उसके बाद दूसरा गोभी का फूल काटो। ठीक है, वैसे जो मूंगफली है ना वो हमारे लिए ठीक भी होती वो है। वो जिस्म का जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करती है। बिल्कुल खानी चाहिए मुनासिब मिकदार में। मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म समोसे
समोसे मुझे बहुत पसंद है और ये समोसे जो है हमारी गली की नुक्कड़ से मिलते हैं। तो अंकल जो है इसमें नए आलू डालते हैं और बड़े ही मजे के समोसे बनाते हैं, खा के दिल खुश हो जाता है। पहले आज मैं स्कूल लेके गई थी 50 रुपए, तो मैंने कहा कि मैं स्कूल समोसा खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके अपने भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करके समोसा खाऊंगी। और अब हम सब मिलके खा रहे हैं। किस किस को समोसे पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। काफी अरसे के बाद आज मेरा दिल किया था कि मैं समोसे खाऊं और आपके साथ भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, और साथ ही आज मैं 2 समोसे खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।